क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता टोली चौकी आदित्यनगर कॉलोनी हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि वड्डापल्ली के पास है। ये खबर जो है उर्सी शरीफ को लेकर है। 334 सालाना उर्सी शरीफ हजरत गुंटल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह आज मनाया गया। इस मौके पर बस्ती के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ पर दूसरी जमात वालों का कब्जा है और यहाँ माइक में सलाम पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं पर मोहल्ले के जिम्मेदारों ने बताया कि यहाँ पर एक दूसरी जमात की मस्जिद भी है, इस मस्जिद की कमेटी को फौरन बर्खास्त किया जाए। और इस बारगाह की गुम्मत जो है आलमगीर के जमाने की गुम्मत है जो काफी खसीदा है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इसकी गुम्मत को फिर से बनाए, यानी फिर इस पर तवज्जो दे। इस तरह से कहना है मोहल्ले वालों का। वक्फ बोर्ड के पास इतना टाइम कहाँ है जो वहाँ आएंगे और देखेंगे। अगर वहाँ से कुछ आमदनी का जरिया बन जाता है तो शायद वक्फ बोर्ड वाले आकर जो है आपके काम पर तवज्जो देंगे। अगर आमदनी नहीं हो तो वो क्यों आएंगे? तो आई खबर आपको दिखाते हैं वड्डापल्ली से। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। ये जो गुंटाल की दरगाह की और मस्जिद की जो मसले मसाइल चल रहे थे कब्रिस्तान के, बस्ती वालों को कुछ चीज़ों से ऑब्जेक्शन थे कि गैर जमात वाले यहाँ पर आके हाजिर हो रहे हैं, उन लोगों को नमाज़ पढ़ने के तो कुछ प्रेशर डाल रहे हैं बोल के, उस ताल्लुक़ से बातचीत हुई है। अभी कमेटी मस्जिद को इस चीज़ की कमेटी नहीं बनी है। अभी रहीम साहब पहले से बड़े हैं, अभी भी उनको बड़े बना के रखे हैं। जो पहले जो कमेटी थी उन लोग को मुंतकिल कर दिए है, अब उन लोग नहीं है कमेटी में। अब जो नई कमेटी बनेंगी इंशाअल्लाह ताला ये महल्ले के पुराने लोगों को लेकर बनेंगी, जो अहले सुन्नतुल जमात के। ये मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात की है, दरगाह है, कब्रिस्तान की जमीन हमारे रहीम साहब के वालिद साहब जब अभी जो ईयर बतलाए रहीम साहब के वालिद साहब जब लिए बोल के, वो बात सही है, उन्होंने लिए हुए कब्रिस्तान की ज़मीन। ये मस्जिद और दरगाह की जो कमेटी है, रहीम साहब अभी बड़े हैं, रहीम साहब से 4-5 दिन में बात होंगी। रहीम साहब बोले कि पूरे कॉर्पोरेटर्स को उन लोग को बुला के मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह बैठ के बस्ती की कमेटी बनाएंगे बोले। पहले जो कमेटी थी उन लोग क्या है, गैर कौम वाला सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तबलीगी जमात ये जमात वालों को ले लेके आगे कहा सो, उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे थे, उन लोग वो कर रहे थे, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो वो दूर कर देता हूँ बोले रहीम साहब। हम लोग की पूरी बस्ती वालों की ख्वाहिश थी कि ये चीज़ दूर कर दो बोल के, यहाँ पर मस्जिद में मैक में सलाम नहीं पढ़ना, बहुत से चीज़ें आप पेश आ रहे थे कि वो तबलीगी जमात वाले बैठ के बोल रहे थे कि अब मैक में अजा नहीं देना, वो नहीं देना, ये नहीं देना, 100-100 नमाज को गए तो फातिहा नहीं देना, कि क्यों फातिहा देते तुम लोग, क्यों ऐसा करते बोल के नौजवान बच्चों को पकड़ के बोल रहे थे। तो नौजवान बच्चे क्या कर रहे थे, थोड़ा शरपना पैदा करके उन लोग ऐसा बोल रहे हैं बोल के कर रहे थे। तो मैं महल्ले का बड़ा हूँ, मेरे को आके बोल रहे थे, तो मैं जाके रहीम साहब से उन लोग से बात भी करे, इन लोग के ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्शन भी हुआ। बीच में वो मस्जिद की दरगाह की ज़मीन बेच दिए बोल के कुछ इशू बनाए थे, उसको इशू को भी ख़त्म करा है, हम लोग नए बेचने दिए। पुरानी कमेटी के लोग हैं, ये सब चीज़ें करे थे उन लोगों, पुरानी कमेटी दी थी, इंशाल्लाह उस ताल्लुक से भी बातचीत हो रही। उस ताल्लुक से जिस दिन से डब्बे बने उस दिन से किराया कहाँ पर है और मस्जिद को डेवलपमेंट कहाँ पर, एक जने किराए पे कम लेके फिर ज्यादा कीमत में दूसरों को दे रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह वो चीज़ जो है अगर हमारे जो कमेटी नई बनेंगी वो चीज़ को बर्खास्त कराएंगी। जो किराया जो कम सुने जो किराया कम में बात करें मस्जिद को आमदनी देते बोल के, फिर बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा किराए में जो दे रहे हैं वो सिस्टम इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अपन बर्खास्त कराएंगे। जब भी महल्ले की कमेटी में जो भी हजरात रहेंगे उन्होंने वो चीज़ को ख़त्म कराएंगे, उनसे वादा करके अपन ये चीज़ उनको कमेटी में एंट्री लेंगे जो भी पैसे उसके आएंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। तमाम हजरात ज़ाहिरीन को तहदिल से मुबारकबाद देते हैं। उर्से शरीफ हज़रत शाह गुंटल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये करीब 300 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है कि हजरत जो सो यहाँ पर आपकी जो सो मज़ार मुबारक है और उनके साथियों के यहाँ पर मज़ार मुबारक है, और बिलखसूस यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी करीब 34 साल से यहाँ पर जो सो उर्से मुबारक जो सो अंजाम दे रही है। उससे पहले भी दूसरे
अलग अलग टाइमों पर लोग जो सो इंडिविजुअल जो सो संदल माली कर लेते थे, मगर यहाँ पर इंतजामी कमेटी 1994 से यहाँ पर जो सो बाजाब्ता रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद से यहाँ पर बाजाब्ता 21 रबीउल सानी को बारगाह रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद नजराना पेश करते हुए औलिया कराम के ताज़ीम व तौखीर करते हुए बिलखसूस बारगाह गुंटाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक यहाँ पर हर माँ हर साल चांद की 21 रबीउल सानी को यहाँ पर संदल माली अंजाम दिया जाता है, उसके बाद दुरूद व सलाम खिरात की महफिल होती है, नातिया महफिल, उसके बाद समा का इनेकाद अमल में आता है। जी एरिया ये गुंटाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के ये महिला भी उन्हीं के नाम से मशहूर है और ये महिला दुपल्ली विलेज में आता है। अभी कमेटी का सदर कौन है साहब? कमेटी का सदर आप रहीम साहब है। कुछ पिछले दिनों में जो है यहाँ पर कमेटी में कुछ अख्तलाफात जैसा सुनने को मिल रहे हैं, तो क्या मसला है, कैसा है? जी हाँ जी हाँ, उनको दूर कर दिए, दूर करके जो सो फिलोखा जो सो इंतजामी के लिए अभी इंशाल्लाह एक दो चार दिन में रहीम साहब जो है गुरुओं को बुला के बिठा के बात करके जो मसले मसाइल पेश आए थे इंशाल्लाह रहीम साहब वो दूर कर देंगे बोल के वादा करे हुए हैं पब्लिक को महल्ले की। इंशाल्लाह रहीम साहब से उम्मीद है कि रहीम साहब ये जो पब्लिक का ऑब्जेक्शन है इंशाल्लाह बिठा के दूर कर देंगे। सर ये सुन्नी जमात की मस्जिद तो दीगर जमात वाले आके यहाँ पर कुछ हाँ दीगर जमात वालों को हटाने का जो है बातचीत करेंगे बोल के रहीम साहब हमारे दीगर जमात वाले भी आकर बैठे थे, पढ़ रहे थे, सुना रहे थे लोगों को, हटे नहीं इंशाल्लाह। कमेटी बनेंगे, अभी बने भी कमेटी नहीं है, पूरे बस्ती वाले मिलके जो है इस संदल को अंजाम दिया। अब फिलहाल संदल कौन करे साहब? पूरे बस्ती वाले वकबोर्ड से सहूलत करेंगे, मदद उनके लिए नहीं, पूरे बस्ती वाले मिल गए करते। पूरे वकबोर्ड इजाजत नामा दिया था गए साल महल्ले वालों की जानिब, अभी भी जो सो उन्हीं का है, मगर फिलोखत जो सो मुतवली रहीम साहब जो अली बिन जैला साहब के साहेब है, जानशीन है उन्हीं के जो सो वकबोर्ड से फंड आ रहा साहब अभी दरगाह नहीं नहीं आ रहा साहब, कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। कमेटी अभी कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी हाँ जी हाँ, दिए तो यहाँ पर कदीम जो सो ये आलमगिरी गुम्बद है, आलमगिरी ज़माने के जो सो औलिया इकराम मौजूद है, गुंटाल शाह बाबा जो नाम से मशहूर है, अगर वो जो सो यहाँ पर अगर वहाँ पर फंड इशू करते हैं बनाते हैं तो एक आलिशान जो सो यहाँ पर गुम्बद तामीर होगी, वही गुम्बद को अगर मॉडिफाई करते हैं तो जो सो पुरानी खस्ता हालत में गुम्बद यहाँ पर मौजूद है, ये गुम्बद को जो सो तामीर न होती है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ायरीन बेशुमार आते हैं जुमेरात जुम्मा और इतवार के दिन, ख़ास तौर पर ख़वातीन और जो सो मर्द हज़रात जो सो डेली यहाँ पर जो सो हाज़िरी देते हैं सुबह शाम। नई कमेटी का इफ्तिताह कब होगा? नई कमेटी बनने वाली है यहाँ पे? अभी कमेटी फ़िलहाल कौन सी भी कमेटी नहीं है, कमेटी बनने वाली है, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह रहीम साहब हम लोगों से वादा करे आज ही संदल के 5-6 दिन के बाद जो है बैठ के अपन बस्ती वाले पूरे फैसला लेंगे बोल के। काउंसलर हमारे सलीम साहब, काउंसलर हनन साहब भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, लोग इससे पहले भी इतला करे थे, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह लोग भी आए तो पूरे बड़े बस्ती के बैठ के जो है फैसला लेंगे, बस्ती की कमेटी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियसिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी आदित्य नगर कॉलोनी हैदराबाद, कस्टमर केयर 7207-4300-58।